बुरहानपुर में बदमाशों के हौसले इतने बुलंद है कि नेपा नगर तहसील की वन चौकी से बदमाशों ने बंदूकें लूट ली। वहीं चौकीदार के साथ मारपीट भी की। लूट की सूचना मिलते ही मौके पर पहुंची पुलिस जांच में जुट गई है। वहीं चौकीदार ने बताया कि देर रात में करीब 10 से ज्यादा चोर आए थे, उन्होंने मेरे साथ मारपीट की और सभी बंदूकें लेकर चले गए। क्या घटना हुई है वन चौकी बाकड़ी में? चौकी पे चोर लोग आए रात में, लूटपाट कर रहे, बंदूक ले गए, मेरे को मारपीट कर रहे। कितनी बंदूक ले गए? बंदूक क्या कितनी है वो डिप्टी साहब से पूछना पड़ेगा। देखो यहाँ तो 11 थी और निमसुटी चौकी की भी है। तो कितने लोग चोर के ले गए यहाँ से? चोर तो बहुत सारे आए साहब, यहाँ कितना कौन का नाम लिया, तो मेरे को खिलाफ दहशत भूल गया। ये जो वन चौकी प्रभारी डिप्टी साहब है या कोई अदर स्टाफ है जो वन विभाग का, कितने दिन से नहीं आया चौकी पे? वो 2 महीने से नहीं रह रहे साहब। कोई भी नहीं आ रहा 2 महीने से? मैं खिला हूँ सर। आप चौकीदारी करते हो, क्या नाम है आपका? मेरा नाम भोला है। आपको बता दें कि नावरा रेंज के जंगल में 200 से ज्यादा लोगों ने कब्जा कर रखा है। अतिक्रमणकारी पिछले 2 महीने से लगातार जंगल की कटाई कर रहे हैं। उन्हें रोकने पर पुलिस और वन विभाग की टीम पर पहले भी हमले हो चुके हैं। इस रेंज में अब 2 दिन से ड्रोन से निगरानी हो रही है। घटना के बाद यहां पुलिस, वन कर्मियों और BSFL बल की तैनाती की गई है और बदमाशों की तलाश की जा रही है। बुरहानपुर से अशोक सोनी की रिपोर्ट, MP तक।